हेलो गाइस, अभिमंटू एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले सॉकेट एंड स्पाइगोट जॉइंट की। जी हां, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर जॉइंट था जो कि साफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया था। लेकिन आज हम ये जो डाइग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट की। जी हाँ, ये सॉकेट एंड स्पाइगोट है, उसमें सॉकेट एंड स्पाइगोट के साथ में क्वार्टर ज्वाइंट भी है। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर एक होता है ऊपर से डालने वाला, उसको हम क्वार्टर बोलते थे। तो इसलिए वो साफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया था और ये पाइपों को जोड़ने के लिए, ये पाइप एक दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए ये सॉकेट होता है। ठीक है, तो आज हम इसकी फ्री हैंड स्केच की बात करने वाले हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, सेक्शनल आइसोमेट्रिक व्यू, ये भी आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसका फ्री हैंड स्केच बताइए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो पर्टिकुलर डायमेंशंस है उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप ये देखा करिए, पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको ये तरीका नहीं मालूम होगा करने का, डायमेंशन कैसे पढ़ेंगे समझेंगे, तब तक आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इस स्पाइगोट ज्वाइंट की, तो ये पाइपों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो पाइप के जो इंटरनल डायमीटर होगा, जिसमें से वाटर या लिक्विड फ्लो होगा, उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। कितना, ये 150 फाई दिया हुआ है। ये देखिए, हैचिंग लाइन बता रहा है कि ये पाइप के अंदर का डायमीटर है। ठीक है, ये 150 फाई का है, मतलब ये जो इंटरनल डायमीटर होगा इसका 150 फाई का होगा। इस पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, एक्सटर्नल 185 दिया हुआ है, 185। ये mm में हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत बड़ी पाइपलाइन है जो कि, या फिर ऑयल लाइन है, तो ये बड़ा भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ये आइडियल एक डायमेंशन लिया गया है। ठीक है, ज्वाइंट के लिए तो ये 150 है और इसके बाहर से बाहर 180, मतलब 180 mm का है। ठीक है, इधर वाले डायमेंशन की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 295 का है। ठीक है, 290 फाई का है। इसकी जो थिकनेस है ये 20 mm दिया हुआ है। ठीक, 30 mm दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये 80 mm है, मतलब टोटल 110 mm, क्योंकि ये 30 + 80 = 110, मतलब 110 mm का है। ठीक है, मतलब इसमें 30 mm ये है, 180 mm ये है। ठीक है, अब दूसरी बात करें, ये तो हो गया 290 का यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक 240, मतलब 240 का है। ठीक है, 240 का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन दिख रहा है, मतलब एक पाइप में, एक पाइप ऐसा होता है, दूसरा पाइप इसमें ऐसे घुसा हुआ है। ठीक है, एक पाइप ये है, दूसरा इसमें क्या है, ऐसे घुसा हुआ है। तो ये जहाँ पर घुसा हुआ है, कहाँ तक गया हुआ है अंदर दूसरे पाइप में, तो ये 90 mm अंदर तक गया है। ये जो लाइन है 90 mm, इनके बीच में क्या है, 3 mm का क्लियरेंस है, मतलब 3 mm का बहुत ही माइन्यूट सा गैप रह जाता है। ठीक है, जब कसा जाता है एक दूसरे के पाइप के ऊपर, तो ठीक, ये 12 mm का है, जिसमें कि आपने अगर कहीं घर में पाइपलाइन बिछाते हुए देखा होगा, तो उसमें एक पीले कलर का टेप जैसा आता है, उस टेप को लगाकर कसा जाता है, वही वो ये टेप है। ठीक है, ये जो टेप दिख रहा है आपको हल्का सा, ये 12 mm का, ये वही एक टेप है। ठीक है, उसी टेप से क्या होता है, लीकेज रुकता है, तो वो टेप लगाया जाता है, जिसको लेड भी बोलते हैं। लेड भी हो सकता है, या फिर ऐसे नॉर्मल तक घरों में यूज होने वाला टेप होता है येलो कलर का, तो वो ये टेप है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या था, डायमेंशन है। अब इसको बनाना कैसे है, हमें फ्री हैंड स्केच बनाना है, तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे ड्राइंग शीट पर बनाने चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप एक सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। वर्टिकल सेंटर लाइन की खैर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, या इसमें ज़रूरत नहीं भी है एक तरीके से, लेकिन हम जरूरत पड़ने पे हम बनाएंगे। ठीक है, और कहाँ से बनाएंगे वो भी बताया जाएगा। तो ये हमारा एक सेंटर लाइन हो गया। अब दूसरी बात ये कि एक बार फिर से हम ड्राइंग आपको दिखाते हैं, क्योंकि डायमेंशन ये जो है, डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन आपको दिख रहा होगा, ये डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 240, मतलब 240 mm, क्या ये 240 mm का है डायमेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर इतने डायमेंशन में बनाते हैं, तो आपकी पूरी ड्राइंग
सीट जो है आधी ड्राइंग सीट तो इससे भर जाएगी केवल हाइट हाइट से, और दूसरी बात ये सब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ डायमेंशन में लेकर बनाना पड़ेगा। मतलब ये जितने भी डायमेंशन आपको दिए गए हैं ठीक है, इन सब में दो से डिवाइड कर देंगे, दो से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सब डायमेंशनों में कोई भी एक छोड़ेंगे नहीं, याद रहे सब में दो से डिवाइड करेंगे तो ही ड्राइंग बनेगा। तो हम जितने डायमेंशन है उसको हम आधा कर लेंगे, जैसे ये 150 है या 150 है तो 175 कर लेंगे यहाँ तक इंटरनल डायमीटर की बात करें तो हम सीधे सीधे सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन लाइन बनाते हैं ठीक है, ये वाला लाइन बनाते हैं, ये सेंटर लाइन से यहाँ तक लाइन बनाते हैं, और इधर वाला हम बनाएंगे नहीं क्योंकि अपर हाफ सेक्शन में बनाना है, अपर हाफ सेक्शन जैसा बना वैसा ही हमें बनाना है ठीक है, तो अपर हाफ सेक्शन में हम बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से ऊपर कितना जाएंगे हम, 75 जाएंगे, कितना देखिए 75 टोटल इंटरनल डायमीटर हो जाएगा अगर आधा, अगर हाफ डायमेंशन लेंगे, क्योंकि 150 का था मतलब 150 mm था, तो हम 150 mm का आधा करेंगे तो जो इंटरनल डायमीटर आएगा वो 75 आएगा, 75 का इस सेंटर लाइन से ऊपर आधा जाएंगे तो 37.5 आएगा, 37.5 ये आया हमारा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे ये ठीक है, मेजर करेंगे यहाँ से 37.5 अगर हाफ डायमेंशन में बना रहे हैं तो, अगर आपकी इच्छा फुल डायमेंशन में बनाने की है तो आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने एक यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद दूसरा लाइन जो ड्रॉ करना है, दूसरा लाइन इसकी थिकनेस बतानी है कि पाइप का जो मटेरियल का थिकनेस कितना होगा, तो मटेरियल का थिकनेस 180 mm था आपको पता था, 180 mm को 4 से डिवाइड करिए, 180 mm को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, तो 45 कहाँ से मेजर करना है, इस लाइन से सेंटर लाइन से 45 mm ऊपर मेजर करना है, तो 45 mm ये आया हमारा ठीक है। इसको आप लीजिए और एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, छोटा सा लाइन जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पाइप का थिकनेस बताएगा जिसमें ऊपर हैचिंग लाइन था ठीक है। देखिए जब इतना आप बना लें, इतना आप बना लें तो इस सेंटर लाइन से 45 नीचे भी मेजर करिए, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो नीचे की तरफ दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन से 45 नीचे मेजर करेंगे, 45 इस लाइन से यहाँ पर, तो ये आया हमारे सामने 45 का, इसको आप ऐसे लाइन इसके सामने तक ड्रॉ कर दीजिए। तो अब देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो दोनों है ये आउटर डायमीटर वाली है जो 180 mm के था, 180 mm का, जिसका हाफ हो गया 180 का 90, मतलब यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 mm का हो गया, कैसे 45 और 45, तो ये हाफ डायमेंशन में दो लाइनें हमने बना लिया। अब देखते हैं एक बार फिर से ड्राइंग को, देखिए हमने कौन कौन सा लाइन बना लिया, ये लाइन बना लिया है, ये लाइन बना लिया और ये लाइन बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, इस वाले लाइन को बनाना है, इस वाले लाइन को आप कहीं से भी बना सकते हैं, मतलब इसे कुछ दूरी छोड़कर बना दीजिए इस लाइन को ठीक है, इस लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ये पाइप जितना दूर से मन करेगा उतना दूर से आप काट सकते हैं ठीक है, तो इस लाइन की कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब इतना डिस्टेंस ले लीजिएगा कि सुंदर लगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से मिलेगा आपको 240 है, 240 यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेंटर लाइन से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट से कुछ इधर हो, कुछ कितना आप ले लीजिए, करीब वही ले लीजिए 80 mm ले लीजिए, 80 mm मतलब 40, हाफ डायमेंशन में करेंगे तो 40 mm ले लीजिए। तो यहाँ से ये देखिए ये 240 का आधा अगर लेंगे तो 120 मतलब इस सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन से आपको 60 mm ऊपर जाना पड़ेगा, तो 60 mm ऊपर जाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगा ठीक है। आपको डायमेंशन दो से भाग देकर हम बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फुल डायमेंशन बनाएंगे तो फुल डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना डायमेंशन दिया उतना डायमेंशन आप फिक्स कर दीजिए। तो देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसको हम 40 mm लंबी कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40 यानी 40 mm लंबी कर लेते हैं, इस नीचे वाले को भी हम 40 mm लेंथ ले लेते हैं ठीक है, 40 mm लेंथ ले लेते हैं जिससे कि सुंदर लगने लगे। अब क्या करना है, सेंटर लाइन से हम इस सेंटर लाइन से ऊपर वाली लाइन को मिला देंगे, इस लाइन को हमें ऐसे मिला देना है ठीक है। मिलाने के बाद जो इसके बाहर निकला हुआ पार्ट था, मतलब इधर साइड में आया हुआ पार्ट था, वो कितने लंबाई का था वो देखिए, उसकी जो लेंथ थी वो थी 240 का आधा करेंगे तो इसका हाफ डायमेंशन आएगा, 240 था तो 120 हो जाएगा, 120 का भी आधा करेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब इस सेंट्रल लाइन से 60 mm नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, 60
60 mm नीचे, ठीक है, मतलब इस लाइन इस पॉइंट से आपको 60 mm नीचे आना है, तो 60 mm नीचे ये आ जाएंगे, 10 mm मतलब इससे। देखिए ये कितने का था, ये 25 का था, ये जो लाइन था आपका 180 यानी 90 का था। देखिए इस लाइन को हमें 60 mm तक बढ़ाना है, 60 mm बढ़ा दीजिए, 60 mm करेंगे तो ये आएगा। देखिए ये लाइन 45 का था, ये 60 का है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो थिकनेस थी 80 mm थी, 80 का आधा करना है, 80 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा, मतलब 40 mm हमें लेफ्ट साइड में लाइन बढ़ाना है, तो 20-30 यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, ठीक है। सेम तरीके से आपको ऊपर भी लाइन ड्रॉ करना है, सेम इसके पैरेलल, सेम इसके पैरेलल जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर साइड में देखिए ये जाएगा, यहाँ से आपको इस वाले पोर्शन से 60 mm ऊपर मेजर करना है, तो 15 mm इस लाइन से ऊपर, ठीक है। ये जो लाइन एक्स्ट्रा है इसको आपको इरेज करना होगा, अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो ये जो लाइन है, क्योंकि ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, ठीक है, वो बनाना नहीं था आपको, हम इसको इरेज कर देंगे बाद में, ठीक है। देखिए तो उसके बाद जब इतना बन जाए, उसके बाद इसकी जितनी लेंथ लिए हैं उतनी लेंथ पे ये इधर साइड में लाइन बढ़ेगा, तो हमारा जो लेंथ है वो 40 mm है, 40 mm, क्योंकि 80 mm लेंथ दिया हुआ है डायमेंशन में, तो हम उसको 40 बनाएंगे, तो 40 बनाएंगे तो ये आ जाएगा 40 mm, ठीक है। जब देखिए ये बन गया, आपको इतना पोर्शन बन गया, अब दिखाते हैं फिर से एक बार डायग्राम आपको। ये देखिए हमने कौन कौन सा लाइन बना लिया, ये लाइन बना लिया, ये लाइन बना लिया, ये लाइन बना लिया, ये यहाँ तक बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ये वाला पोर्शन का बनाना है, ठीक है, ये लाइन बनाना है और इधर ये लाइन बनाना है, ठीक है। याद रखिए ये 30 mm का है और ये भी 30 mm का होगा, क्योंकि सेम है, इसका ऊपर हैचिंग किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, इसकी जो लेंथ है, ये जब 30 का बनाएंगे तो हाफ बनाएंगे तो 15 mm का बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 290 है, 290 का ये 290 का आधा बनाना पड़ेगा, ठीक है, 145 का, 145 यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, 145 अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 145 का भी आधा हमें बनाना पड़ेगा, 145 का आधा बनाएंगे तो आपको बन जाएगा ये 7.5 का, 7.5 मतलब इस सेंटर लाइन 72.5 यहाँ आएंगे और 72.5 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हमें लाइन मिल जाएगा। अब ये लाइन बनाते हैं, तो अगला काम करना है, ये जो 40 mm का लाइन है इस सेंटर लाइन से 72.5 पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। कैसे, देखिए ये जो है यहाँ से आपको 72.5 नीचे की तरफ मेजर करना है। देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, अपने ड्राफ्टर को स्ट्रेट ही हमेशा रखा करिए, कहीं से भी मेजर कर सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे किया, यहाँ से हमें क्या करना है, 72.5 ये आया, यहाँ से हम इस सेंटर लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब ये आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ से इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, यहाँ से इधर साइड में देखिए, यहाँ से आप इधर साइड में आएंगे तो 30 mm का लाइन था, तो 30 mm का अगर हाफ करेंगे तो 15 mm की हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, 15 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 15 mm की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 15 mm का लाइन ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम तरीके से ऊपर भी करना है आपको, सेम क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइन है इसी से ऊपर आपको बढ़ना है, ठीक है, ये जो लाइन है इससे ऊपर बढ़ना है, ऊपर कितना बढ़ना है, इस सेंटर लाइन से 72.5, तो इस सेंटर लाइन से 72.5 ऊपर चले जाइए, 72.5 ऊपर जाइए और ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये 72.5 ऊपर चला गया, हम ऊपर वाले में नीचे से क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हम उसका हैचिंग करेंगे, ठीक है, अपर हाफ सेक्शन में हैचिंग लाइन बनाना है इसलिए। इसके बाद फिर से इधर कितने 15 mm लेफ्ट साइड में, यानी 15 mm लेफ्ट साइड में ड्रॉ करनी है लाइन ये, ठीक है। जब इतना कर लें उसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इससे इसको आप क्या करिए, इधर से बढ़ा दीजिए, इधर से ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इधर से ऐसे बढ़ा दीजिए और इस वाले लाइन को लाकर इसमें मिला दीजिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको आप नीचे लाकर सीधे सीधे मिला दीजिए ऐसे, ठीक। उसके बाद ये जो लाइन है इसको भी आप सीधे नीचे मिला दीजिए, ऊपर मतलब मिला दीजिए सेंटर लाइन तक ले जाकर, ठीक है। जब इतना बन जाएगा आपका, तो अब देखिए क्या बनाना है,
अब ये जो पाइप है इसके सामने भी तो ये इधर साइड में पाइप था, मतलब ये तो पाइप का अपर और इधर वाला पोर्शन बाहर वाला पोर्शन था, तो इधर वाला भी तो बाहर वाला पोर्शन होगा, तो बाहर वाला पोर्शन इसके सामने रखिए और इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे केवल पाइप निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ कुछ बनता हुआ लग रहा होगा कि हमारा जो है सॉकेट एंड स्पाइगट ज्वाइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या था, यहाँ से 90 mm मेजर करना है, इधर 90 यानी हाफ डायमेंशन है तो 45, तो आपको यहाँ से 45 मेजर करना है, 45 यहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक, सेंटर लाइन तक, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर लाइन तक, ठीक है। इसमें 3 mm का गैप यानी 1.5 mm आप छोड़ेंगे गैप ऐसे, ठीक है, 1.5 mm का गैप ऐसे छोड़ेंगे। ये जो क्लियरेंस गैप था जहाँ पर ये दोनों पाइपें आपस में मीट करती हैं वो अलग गैप था, ठीक है। जब इतना बना लें तो देखिए एक बार डायग्राम फिर से, देखिए दोस्तों जो बाहर बाहर सब है डायग्राम बन चुका है, ठीक है, ये लाइन बन चुकी है, ये लाइन, ये लाइन, ये सब बन चुका है। अब बचा क्या है, देखिए ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ये 12 mm का ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए कैसा, इधर दिखाते हैं आपको, रुकिए ये हम दिखा देते हैं आपको कैसा बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये कर्व शेप में है, ऐसे जो पाइप का सिरा है वो मुड़ा हुआ है, कैसे, जैसे एक पाइप के अंदर आया दूसरा पाइप, तो ये कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, देखिए ये अगर मान लीजिए इसको ऐसे माना जाए तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये जो हाइट उठी हुई है, ये जो लाइन है, ये लाइन इससे 12 mm ऊपर तक टेढ़ा गया हुआ है, उसको रोकने के लिए ये लेड भरा हुआ है, तो ये पहले हमें 12 mm का जो ये कर्व है ये बनाना पड़ेगा, बस यही एक कर्व है जो ध्यान देने वाली चीज़ है इस पाइप ज्वाइंट में। देखिए अब क्या करना है, इसको यहाँ से ये जो लाइन है इससे 12 mm लेफ्ट साइड में मेजर करना है, इस लाइन से 12 mm पहले तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये जो सेकंड वाली लाइन है इसको, इस लाइन को आप यहाँ तक मिला दीजिए, आप आँख बंद करके मिलाने से पहले 12 mm छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ से लेकर इसको ऐसे मिलाना है, इनके बीच में कितना 12 mm गैप रहनी चाहिए, ये 12 mm ऊपर तक आपको बढ़ानी है। अब 12 mm ऊपर मेजर करना है, जब 12 mm ऊपर आप जाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ तक आएगा, इसको आप ऐसे हल्का सा कर्व दीजिए, ठीक है, और 12 mm इधर की तरफ लाकर आप, इधर लाकर आपको क्या करना है, मिला देना है ऐसे, ठीक है। जब इतना कर लेंगे आप तो देखेंगे कि इस लाइन को क्या करना है, फिर से आपको ऐसा लाना है, फिर इसमें बीच में गैप छोड़ना है और उसको आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हल्का सा ये कर्व है ऐसे, और इसमें आपको लेड भरना है, क्या भरना है, लेड, ऐसे ऐसे आप भर दीजिए बस, खाली इसको ऐसे 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 भर दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे भर दीजिए, ये जो पोर्शन है ये क्या है, लेड भरा हुआ है, ये बता रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये पाइप दूसरा पाइप है, ये पहला पाइप है, ठीक है। अब इतना तो आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि वाकई में ये बना क्या, ये जो 12 mm का है ये बन गया, ठीक है, ये हमारा पाइप ज्वाइंट बन गया। लेकिन अब ये पाइप लगेगा कैसे, उसको दिखाने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको मिला दीजिए आपस में सीधा सीधा, ठीक है। अब इसको फ्रीली हाथ करके ऐसे लाइए नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरा चीज़, इसको आप ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे करके, और आपको ऐसे लेकर कर्व देते हुए इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, कर्व देते हुए, कर्व देते हुए इसको ऐसे ले जाकर ऐसे मिलाना है, ठीक है। ध्यान रखिए इसको सही से मिला लीजिए। इसी तरीके से इधर भी करना है, इधर क्या करना है, इधर आपको ऐसे मिला लेना है, मिलाने के बाद इसको फ्रीली आपको नीचे लाना है, फ्रीली नीचे लाने के बाद इसको ऐसे ले जाकर सेंटर तक, ठीक है। जब यहाँ तक आप मिला लें, इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, डार्क कर दे थोड़ा सा, उसके बाद इसको भी आपको वही काम करना है, वही काम करना है, ठीक है। इसको ऐसे लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। जब इतना आप मिला लेंगे तो ये आपको पाइप जैसा दिखने लगेगा। देखिए हमसे गलती हुई है, क्या गलती हुई, ये जो लाइन है ये नीचे नहीं आनी चाहिए थी, ये जो ऊपर वाला लाइन है ऊपर वाले लाइन तक ही आना चाहिए, मतलब यहीं तक आना चाहिए, तो ये गलती आप ना करें। ये गलती हमने जानबूझकर किया इसलिए ताकि आपको ये पता चले क्या चीज़ है, ठीक है। जब इतना आप कर लेंगे उसके बाद आपको बस इसमें क्या करना है, हैचिंग लाइन करना है, हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन के लिए इस पर 45 डिग्री एंगल पर आपको हैचिंग लाइन सुंदर करना है, सुंदरता के साथ हैचिंग लाइन कर दीजिए, ठीक है। इस पर क्या करिए, हैचिंग लाइन, अगर हैचिंग लाइन नहीं करेंगे तो फिर आपकी ड्राइंग जो है क्लियर समझ में नहीं आएगी,
सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें हैचिंग लाइन कर ही देना है सब में। ये हम फ्रीली हैंड से कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। जब इतना आप हैचिंग लाइन कर लें उसके बाद आपको इधर पोर्शन में हैचिंग लाइन तो करना नहीं है, करना किस में, इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में देखिए ये जो पोर्शन है ये एक पाइप का सॉकेट है, तो इसको आप 45 डिग्री ऐसे एंगल लीजिए और इसको कंप्लीट हैचिंग लाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको आप जितनी सफाई से हैचिंग लाइन करेंगे उतना ही सुंदर आपका जो ड्राइंग होगा वो दिखेगा, और तभी आपको 10 में से कई बार 10 भी मिल जाता है और कई बार 8 तक तो नंबर मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से हैचिंग लाइन कर लीजिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी ड्राइंग हैं उन सबको देखिए, और ये जो पोर्शन है ये दूसरा पाइप का है, तो इसको आप अपोजिट 45 डिग्री एंगल पे हैचिंग लाइन करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, असेंबली है, या फिर आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर प्लान एलिवेशन है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए, एक एक वीडियो को देखिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि हम पहले शुरुआत में बताते हैं उसके बाद फिर आपको ड्रॉ करके भी सिखाते हैं, पहले डायमेंशन बताते हैं फिर आपको बनाना भी सिखाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये एक बन गया, ये जो ड्राइंग बना ये ड्राइंग क्या है, हमारा सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट है, सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट ये पाइप ज्वाइंट का ही एक रूप है, ठीक है। इसके पहले हमें सॉकेट एंड स्पाइगोट क्वार्टर ज्वाइंट बताया था जो कि शाफ्टों को जोड़ने के लिए था, ये पाइप ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फ्री हैंड स्केच के तौर पर आता है। अब इसकी बात आती है डायमेंशन प्रदर्शित करने की, डायमेंशन हम प्रदर्शित करते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, डायमेंशन हमने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है शॉर्टकट में, थोड़ा सा ये टेढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 12 mm है। देखिए हम बताना क्या चाहते हैं आपको कि हमने ये ड्राइंग बनाया तो हाफ डायमेंशन में लिखा, लेकिन लिखा होगा आपको दिख रहा होगा फुल डायमेंशन। जी हाँ, जब भी आप फ्री हैंड स्केच बनाएं और अगर हाफ डायमेंशन में बना रहे हैं तो भी आप फुल डायमेंशन ही लेकर लिख दें, क्योंकि आसानी रहेगा लिखने में आपको और याद करने में भी, ठीक है। हमने डायमेंशन तो यही है, ठीक है, लेकिन बनाया इस रेशियो में है, तो वो जो नीचे टाइटल बॉक्स होता है उसमें इसके डायमेंशन की रेशियो 1/2 कर दी जाती है। लेकिन बहरहाल आपको हम केवल डायमेंशन सिखाना चाहते हैं और फ्री हैंड स्केच, तो इसलिए ये रहा हमारा क्या, सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट, पाइप ज्वाइंट की एक विशिष्ट ज्वाइंट है। अगर आपको यूनियन ज्वाइंट या एक्सपेंशन ज्वाइंट की असेंबली ड्राइंग या फ्री हैंड स्केच चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं अपलोड किया जाएगा। जिस दिन आप कमेंट करेंगे उस दिन आपको मिलेगा। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, यहाँ पर सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, मैथमेटिक्स के भी अवेलेबल हैं और केमिस्ट्री जो 12th लेवल की है वो भी अवेलेबल है चैनल पर, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सबका यहाँ पर असेंबली ड्राइंग फ्री एंड स्केच अवेलेबल है ऑलरेडी। फिर भी अगर किसी में दिक्कत आ रही है तो आप जरूर पूछें और प्लेलिस्ट को देखिए, एक एक प्लेलिस्ट को देखिए, एक एक करके मैकेनिक्स का भी अवेलेबल है। तब तक लेता है, फिर आपसे कल मुलाकात होगी नए वीडियोज़ के साथ।